स्टिक, अगर स्टिक जेल की बात करें तो इस तरह का स्टिक जेल जनरली बॉयज लोग भी यूज करते हैं स्ट्रेट अप रखने के लिए, या गर्ल्स में अगर वुमेन्स में यूज करें तो फ्लैट में ज्यादा करके यूज करते हैं। इसके बाद आप हेयर को मोल्ड नहीं कर सकते हो, एक डायरेक्शन में बोलते हैं ना वो फ्लैट हो जाते हैं, चिपक जाएंगे। बट यही चीज अगर आपको लगाना है, यस यस, हाथ से लगाओ या फोम से लगा सकते हो। दूसरी चीज होती है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, सेट हो जाएगा बट मोल्ड भी कर सकते हो। तो मोल्ड करना कहाँ काम आता है, ज्यादा करके निर्वल जेल, ये भी निर्वल का है, लिक्विड फॉर्म में है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम पतली है। लगाने के बाद मैंने हाथ में मल्टीप्लाई भी किया, स्टिकी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे, मेरी बेबी है ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे लगा के, अब क्या होगा, अब मुझे इसमें ब्रेड बनाना है, कितना परफेक्ट ब्रेड बनेगा, एक भी बाल उड़ेगा नहीं। शाइन स्प्रे कर सकते हो बट क्या होता है, शाइन स्प्रे के बाद अगर बाल बाहर निकले, कोई भी बाल ब्रेड के बाद बाहर निकलते, क्योंकि अभी जब मैं एडवांस टेक्निक करूंगी तो ब्रेड में मैं पुलिंग भी करने वाली हूँ, ब्रेड में मैं स्प्रेडिंग भी करने वाली हूँ, तो उसमें जनरली बेबी हेयर्स आउट हो जाते हैं। फिर कोई भी हार्ड स्प्रे उस ब्रेड के अंदर के बालों को सेट नहीं कर सकते। तो बेटर आप शाइन स्प्रे करके उसके ऊपर थोड़ा सा निर्वल लिक्विड फॉर्म वाला जेल लगा और फिर कोई भी ब्रेड बना, उसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। तो तब आपको स्टिक वाला जेल नहीं यूज कर सकते, तब आपको लिक्विड फॉर्म। कर्ल्स भी है, कर्ल्स में भी कैसे होता है, कर्ल्स हमारे ओपन करते हैं हम कर्ल्स को जनरली मेसी लुक के लिए, या बैक में भी अभी एक कर्ल्स बनाया तो उसमें भी हम पार्टीशन करते हैं, उसको भी नीट एंड क्लीन ओपन करने के लिए हम निर्वल जेल का लिक्विड फॉर्म वाला जेल यूज करते हैं। ठीक है, इसका नाम भी निर्वेल वेट जेल, इट्स अ लिक्विड फॉर्म। स्टिक फॉर स्टिक जेल तो आपको हर एक कंपनी में मिलेगा, और इसका भी आता है स्टिक वेस जेल, ये भी एक अलग कंपनी का है तो ये भी आप ले सकते हो, बट दिस इज टू कॉस्टली। आप अगर स्टिक वाला लेने चाहते हो तो ऑसिस ब्रांड का आता है, बहुत ही रीजनेबल रेट में है, ऑसिस ब्रांड का आप ले सकते हो जेल स्टिक वाला, ये तो पॉसिबली में स्टिक ही है, ऐसा ऐसे ही आता है, ऐसे ही ऐसे स्टिक ही अंदर का फॉर्म सेम। और ये कौन सा है, ये बहुत कॉस्टली है, ये अराउंड ये है टू पीओ टू नाम पीओ टेमा ऐसा कुछ का नाम है इसका। पीओ टेमा नाम का है बट वो आपको अराउंड 800 की रेंज में मिल जाता है, ऑसिस का जो वैक्स स्टिक है वो मिल जाएगा। तो ये कॉस्टली है, ये कॉस्टली है, अराउंड 2100 का है, ये 2200 का है, ये उससे अच्छा वो चार पैच मिल जाएगा और वो इतना यूज नहीं होता है स्टिक। अगर पहले जैसे निर्वेल के कोई जेल अवेलेबल नहीं थे मार्केट में तो हम यही यूज करते थे। अब मैं मोस्ट ऑफ मैं एक साल से कभी स्टिक यूज ही नहीं किया, मैं यही यूज के मेरा काम कर देता हूँ, क्योंकि दो दो चीज के लिए लेके जाना, ये भी वो रिजल्ट दे देगा, तो बेटर है कि दो और आपको प्रोडक्ट इससे चाहिए कि प्रोडक्ट। हाँ, ये कब काम नहीं आएगा, जब किसी आप ग्रूम को करने जाते हो और उसको बाल खड़ा रखना है ऊपर, तब आपका स्टिक वाला चाहिए। ग्रूम मेकओवर करते हो तब आपको यही कंपलसरी लगेगा, ये उसके बालों को ऊपर स्टे नहीं करवाएगा, कि बहुत ग्रूम को ऐसे फिर हैबिट होती है कि पूरा ऊपर रखो या ऐसे अप करके ऐसे स्टिक चाहिए, ऐसे ऊपर करके ऐसे हेयर में कुछ चाहिए रहता है, तब बॉयज के लिए ये ज्यादा काम आता है, गर्ल्स के लिए दिस इज ओके। सो दैट्स इट, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, एक और बच गया, दो बच गए। मूज एप्लीकेशन, मूज में भी दो क्वालिटी है, एक टेक्नी आर्ट का है और एक ऑसिस का है। ऑसिस में बोलते हैं ना 50% आपके हेयर को ड्राई रफ करने का काम करेगा। क्यों रफ करना है हेयर को, एक तो कब यूज करते हैं हम इसको,
कर्ल्स करने के लिए, कर्ल्स करने के लिए क्योंकि हमें बालों में रफ टेक्सचर चाहिए। वॉशरूम में बालों में रफ टेक्सचर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा, कर्ल्स उतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग। दिस इज 50% आपके हेयर को रफ करता है और टेक्नी आर्ट है वो आपके हेयर को 80% रफ करने का काम करेगा। मतलब आपको लग रहा है किसी के हाथ लगा के कि इनके हेयर थोड़े से ही रफ करने की जरूरत है, ज्यादा रफ टेक्सचर नहीं चाहिए, तब आप ऑसिस यूज कर सकते हो। बट किसी ने जस्ट स्मूथनिंग या केराटिन ट्रीटमेंट किया तो उनके हेयर कैसे होते हैं, या किसी किसी के जनरली हेयर बहुत शाइनी सिल्की होते हैं, तब आपको 100% उसको कन्वर्ट करना है एक्सट्रीम रफ टेक्सचर में, तब आप ये यूज कर सकते हो टेक्नी आर्ट। टेक्नी आर्ट लॉरियल ब्रांड, लॉरियल प्रोफेशनल का, लॉरियल ब्रांड का है ये। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज रह गई जो है हमारी हेयर फाइबर, स्काल्प को हाइड करने के लिए जो काम आता है वो। तो दोनों में क्या फर्क है, ये पाउडर फॉर्म है और ये स्काल्प हाइडिंग, मतलब होते ना कलर, किसी के ग्रे हेयर हो जाते हैं तो उसको ब्लैक करना है, इंस्टेंट करना है, तब आप ये यूज कर सकते हो। दिस इज ओनली पाउडर, ये आपके ग्रे हेयर को कवर नहीं करेगा बट आपके स्काल्प में जो गैपिंग है उसको वो कवर कर सकता है पाउडर फॉर्म। जनरली ज्यादा करके ये यूज करते हैं क्योंकि हेयर आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते हैं, ये बने उतना हम कम यूज पे जाते हैं। बट अगर उनके हेयर ग्रे रूट टचअप नहीं किया हुआ है और ग्रे हो चुके हैं आगे से दिख ही रहा है, ऑप्शन नहीं है, तब आप ये यूज करते हैं। तो ये भी तो डस लेता होगा ना बाल पे, आपने स्काल्प में गैप है वो हम उसको डालेंगे स्प्रे को पाउडर इन केस, हाँ पाउडर फॉर्म इन केस अगर वहाँ पे ग्रे है नहीं करेगा उसको नहीं कवर करेगा, नहीं कलर चेंज करने का काम नहीं करेगा। बालों को जस्ट भर देगा, भर देगा बस। कलर अगर ग्रे व्हाइट बाल में ग्रे हेयर है कलर करना है तब आपको यही, ये आपका स्काल्प भी कर देगा कलर भी कर देगा हेयर को, जैसे बहुत कम यूज करते हैं ये आप परफेक्टली, किसी का सिर्फ आगे का इतना ही प्रॉब्लम, मेरे बालों में अभी कलर का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आगे फ्रंट में अगर मैं अप ले रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं पाउडर यूज करके मैं नेचुरल कर सकती हूँ, ये जैसे थोड़ा आर्टिफिशियल दिख के आ जाता है, ये आर्टिफिशियल दिख के नहीं आएगा आपका, तो भले उतना पाउडर के बाद लगाना है नहीं, अगर आपको ग्रे हेयर को कवर करना है तो आप पहले यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू वेट, या ब्लो ड्राई से प्रॉपर ड्राई वगैरह करेंगे तो ये लगेगा नहीं हाथ वर्क में, इसीलिए बोल रहे हो वेट करना है, ड्राई होने तक उसको वेट करना है, या ब्लो ड्राई से उसको ड्राई कर लो, 5 मिनट का गैपिंग रखो या लास्ट में यूज कर लो, जितना ऊपर ऊपर दिख रहा है उसको ही कवर करके छोड़ दो, दोनों ऑप्शन है। नेम प्लीज, इसका नाम क्या है, नेम प्लीज, पाउडर का इसका, ये आवाज कंपनी का है AVAS आवाज कॉस्मेटिक, और ये तो अपने देखिए लॉरियल का रूट कवर, इंस्टेंट रूट कवर, ऑलवेज कौन सा शेड लोगे, डार्क ब्राउन, ब्लैक जेड ब्लैक नहीं लेना है, डार्क ब्राउन शेड लेना है, दोनों में पाउडर भी लेते हो क्या, ये भी लॉरियल का इंस्टेंट इंस्टेंट रूट कवर, इन 3 सेकेंड लिखा हुआ है। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आपके पास अभी मार्केट में जैसे एसेसरीज अवेलेबल है, स्टोन प्लेसमेंट, छोटे छोटे स्टोन आते हैं, बड़े बड़े स्टोन, उसमें स्टोन तो उसको स्टिक करने के लिए ग्लू चाहिए रहता है, क्योंकि विदाउट ग्लू तो कोई काम नहीं आता है, तो दिस इज द ग्लू हेयर न्यू फैशन हेयर एसेसरी करके, हाँ ये ऊपर है ना एक स्टोन है, नीचे नीचे नीचे, हाँ अभी देर हाथ दिखा रही हूँ, हाँ हाँ ये हेयर ग्लू बोलेंगे, हाँ हेयर ग्लू जैसे ऐसे अभी मार्केट में अवेलेबल है,
स्टिकर्स, छोटे स्टिकर्स है, राउंड है, डायमंड शेप के अलग अलग स्टिकर्स मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे स्टिकर्स एक बार यूज करोगे ना, मे बी कई बार तो ग्लू होता ही नहीं है इसके अंदर, री यूज करना है। ऑब्वियसली हम करेंगे, वापस आएंगे तो करना है, तो इसको वापस से पीछे की साइड में हेयर का ग्लू है ये, आप ये ग्लू लगा के यूज कर सकते हो। और इसका बेस्ट पार्ट आप आई लैशेस, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। कई बार पीएससी और दूसरे ब्रांड के आई लैशेस कैसे होते हैं, कॉर्नर्स छोड़ देते हैं, हाँ ये कॉर्नर्स नहीं छोड़ते और एकदम क्विक बोलते ना, एकदम हार्ड स्टिक हो जाता है कि अगर पूरा दिन भी वो ब्राइट रखेंगे ना तो निकलता नहीं, तो ब्राइट का बहुत कंप्लेन होता है कि लैशेस निकल गए, कॉर्नर्स छोड़ गए। तो इससे ये एक बेस्ट बेनिफिट है कि आप ये इसके लिए भी यूज कर सकते हो और आपके लैशेस के लिए भी यूज कर सकते हो। आई लैशेस के लिए क्वांटिटी, एकदम मिनिमम क्वांटिटी आपको इसकी यूज करनी है, ज्यादा ओवर नहीं यूज करना है, चाहे वो इसके लिए हो या लैशेस के लिए हो। इसका प्राइसिंग क्या है? इसका अराउंड 800 प्राइसिंग है। नाम क्या है? न्यू पैशन हेयर एसेसरी। आई थिंक सारे प्रोडक्ट कंप्लीट हुए यहाँ पे, अभी सिर्फ एक टूल का नॉलेज बचा हुआ है। टूल में कौन से टूल्स होते हैं हमारे पास? आइनिंग, क्रिम्पिंग, पल्स मशीन। आइनिंग तो सबको पता है कि कौन सी आइनिंग लेनी है, एक अंदर आइनिंग सीरम है, पल्स मशीन है। दो अलग अलग टाइप की आती है, एक तो ये रोज गोल्ड प्लेटिनम, बट जनरली ये वाली जिनकी हेयर टेक्सचर बहुत ज्यादा रफ है और सिर्फ आयरन पर्पस है उनका, तो उनके हेयर पे शाइन लाने के लिए काम आता है। एक शाइन प्लैटिनम की भी आती है, वो भी आप यूज कर सकते हो, और ऑलरेडी शाइन है नॉर्मल पर्पस यूज के लिए यूज करना है। दोनों भी आइकॉनिक कंपनी की है, दिस इज द सिरेमिक। तीनों के दोनों की प्लेट्स देखो अलग है, सबका काम भी वो रिजल्ट अलग देगा। इससे आप करोगे तो ये मैट फिनिश ही करे, इसमें कोई शाइन देने का काम नहीं करता, ये सिर्फ आयरन करने का काम करेगा हेयर को स्ट्रेट, ये हेयर में शाइन देने का भी काम करेगा साथ में। सो दिस का नाम क्या है जो शाइन देने वाला? ये गोल्ड प्लेट बोलते हैं इसको, रोज गोल्ड प्लेट। और इसका बेस्ट रोज गोल्ड के अलावा और एक प्लेट होती है टिटैनियम, हाँ टिटैनियम वो भी अच्छी है, वो भी ले सकते हो। हाँ टिटैनियम पे शाइन देते हैं ना? यस, बट कैसे, अगर आप सैलून ओनर हो तो ये यूज करना, दोनों के लिए चलेगा। टू इन वन, आप स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग या बोटॉक्स या ये कोई भी ट्रीटमेंट करनी है तब भी आपकी ये आयरन मशीन काम आएगी, और क्लाइंट को सिर्फ आयरनिंग करके देना है तब भी ये काम आएगी, क्लाइंट को आयरनिंग मशीन से कर्ल्स करना है तब भी आपकी ये काम आएगी। क्योंकि एक तो इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, कर्ल्स करने में बाल कम खींचेंगे और इससे आप कर्ल्स भी इजिली कर सकते हो, और कभी भी यहां से यहां तक का राउंड शेप दिखने का, ये बेस्ट पार्ट है। आप इसको बंद करके यहां से ये पूरा राउंड होता है वैसा लेने का, स्क्वायर नहीं लेना है, पॉइंट वाला भी आते हैं वो आपको लेने नहीं है। मशीन नेम आइकॉनिक, आइकॉनिक इज द बेस्ट फॉर आइनिंग। इसके बाद आइनिंग के बाद आती है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग क्या क्यों करते हैं? सबसे पहले तो हर एक बालों में करना जरूरी है, अगर मुझे फ्लैट लुक चाहिए तो नहीं जरूरत है, आयरन करके फिर मैं कर सकती हूँ, हाँ बट जहां पर मुझे एडवांस टेक्निक चाहिए वहां पे मुझे क्रिम करना जरूरी है। जहां पर मुझे पुलिंग करना है, स्प्रेडिंग करना है, किसी के बाल आगे से कम है, वॉल्यूम क्रिएट करना है, तब भी मुझे क्रिम करना है। और क्रिम के लिए कौन सी मशीन होनी चाहिए? दो अलग होती है, एक माइक्रो एक माइक्रो। माइक्रो है जिसके ब्रिसेस देखो कितने नजदीक नजदीक है, नजदीक वाले ब्रिसेस आपकी हेयर में टेक्सचर नहीं क्रिएट करेगा, सिर्फ हेयर में रफ टेक्सचर के साथ बाउंस क्रिएट करने का काम करेगा। तो आपको क्या चाहिए? हेयर टेक्सचर में सिर्फ और सिर्फ बाउंस टेक्सचर आए उतना ही काम चाहिए, हेयर में टेक्सचर क्रिम्पिंग का दिखेगा तो क्लाइंट को पसंद नहीं आता, एकदम माइक्रो होना चाहिए। उसके लिए माइक्रो आइकॉनिक की क्रिम्पिंग ले सकते हो, या दूसरी मशीन है स्टाइलेक्स की, उसका भी सेम है, स्टाइलेक्स ब्रांड का है,
सेम माइक्रो क्रिम्पिंग है, उसके भी ब्रिसल्स छोटे है, बस फर्क क्या है साइज में फर्क है, एक ब्रॉड है, ब्रॉड रहेगा तो आपका सेक्शन ज्यादा में काम फटाफट होगा, जितने इसके तीन पार्ट होंगे वो एक ही प्रेस में काम हो जाएगा तीन सेक्शन का, दोनों भी बहुत अच्छी है, प्रेशर हीट एग्जैक्ट सेम है दोनों का, और स्टाइलेक्स में रफ टेक्सचर लाने का जो बोलते हैं ना हीट, उसमें आइकॉनिक से ज्यादा है, काम फटाफट काम पास होगा। स्पेलिंग स्टाइलेक्स STYLX आयरन में आइकॉनिक अच्छी है, क्रिम्पिंग में माइक्रो ही लेना है ऑलवेज, एंड आइकॉनिक ले सकते हो या स्टाइलेक्स। दूसरा कर्ल्स, कर्ल्स में भी सेम ये दोनों कंपनी में जा सकते हो, आइकॉनिक या स्टाइलेक्स। अब दोनों में मशीनरी पहले कौन सी लेनी है कर्ल्स करने के लिए वो देखते हैं, फिर उसका क्या यूज है, क्यों दोनों कंपनी में कौन सी कंपनी ज्यादा बेस्ट है वो देखते हैं। दिख रहा है आइकॉनिक में या स्टाइलेक्स में बोलो, तो अगर आइकॉनिक में ले रहे हो तो आपके पास 16 नंबर 25 एंड 32, आइकॉनिक में स्टार्ट ही 16 नंबर से हो रहा है, एंड अगर स्टाइलेक्स की लेती हो तो 13, 22, 28 ये नंबर पे जाना है, मतलब स्मॉल मीडियम बिग, स्मॉल मीडियम बिग, स्मॉल है वो, स्मॉल है वो किसके लिए काम आएगा, स्मॉल मैसी के लिए काम आता है, मेडिकल्स मैसी इस लुक के लिए काम आएगा, 22 मीडियम साइज के कर्ल्स होंगे एंड बिग साइज के कर्ल्स होंगे। अब लॉजिकली सोचो मैसी तो 25 है, अभी 16 और 25 है, अगर मैं 22 लूंगी तो हार्डली मशीनरी में डिफरेंस आएगा, राइट, ऑलवेज मशीनरी भी उसी डिफरेंस से लेना है जो आपके काम में काम है, यहाँ पे मैंने 13 रखा है छोटा साइज रखा है तो यहाँ पे मैंने दूसरा 22 सिलेक्ट किया, यहाँ पे 25 रखती तो ये दोनों में मशीनरी में गैप ज्यादा हो जाती है, मुझे तीनों ऐसी सिलेक्ट करनी है जो हर एक काम के लिए काम है, मैसी के लिए काम आएगा ये भी आपका मैसी के लिए काम आएगा। 13 नंबर का मशीनरी दिखता कैसा है, ये इतना पतला साइज का मशीनरी होता है, राइट, जो मैसी क्रिएशन के लिए आपको काम आएगा, जनरली फ्रंट फ्रंट में मैसी है 13 में कंपनी को, ये स्टाइलिश कंपनी है बट दोनों का लुक वाइज सेम ही है, दोनों में फर्क नहीं है, मशीनरी का रॉड की साइज एक ही रहती है, चाहे वो 16 लो चाहे वो 13 लो, दोनों की साइज कंपनी वाइज नंबर चेंज होते हैं दोनों से, ये 16 नंबर लोगे तो भी यही साइज मिलेगा आइकॉनिक में, स्टाइलेक्स में भी 13 नंबर यही साइज का मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद 22 नंबर, सी ये 22 नंबर है, दिस वन इज फ्रॉम आइकॉनिक एंड दिस इज स्टाइलेक्स, क्या फर्क है, सेम ही है, वही सेम उसमें भी मिलता है, बस इसमें फर्क क्या है मैं बाद में बताती हूँ आपको, ये कौन सी कर्ल्स क्रिएट करेगा, मीडियम कर्ल्स क्रिएट करेगा, मीडियम कर्ल्स क्रिएट करेगा तो कौन सी लेंथ पे सूटेबल होगा, लॉन्ग या मीडियम, लॉन्ग नहीं मीडियम पे, मेरे जितने बाल है उसपे अगर मुझे कर्ल्स दिखाने हैं तो ऑब्वियसली ये मशीन काम आएंगे, क्योंकि इसके कर्ल्स कैसे होंगे, मीडियम मतलब ऐसे होंगे, लॉन्ग मतलब ऐसे होंगे, कभी मेरी लेंथ ही इतनी है तो मेरे बालों में कितने कर्ल्स, टर्निंग कितना दिखेगा, अगर बड़ा साइज का यूज करूंगी तो सिर्फ दो ही टर्न दिखेगा, उसमें मेरे कर्ल्स खत्म हो जाएंगे, बाल ही खत्म हो जाएंगे, मेरे को वॉल्यूम भी ज्यादा चाहिए और कर्ल्स दिख के आना चाहिए, इसीलिए मैं ये यूज करूंगी फॉर मीडियम लेंथ है, अगर यही चीज बहुत बड़े, अभी मेरे इतने बड़े बाल होते तो इज इट नेसेसरी कि मैं इतना छोटा मशीन और ज्यादा टाइम लगाऊं, तो तब मेरे में बड़ी साइज यूज करूंगी, तब भी ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे बनने ही वाले हैं,
तो तब जितने बड़े बाल उतना मशीनरी आपका बिग साइज का लो, मीडियम है मीडियम साइज, मैसी करना है छोटा साइज। अब इसमें फर्क क्या हुआ, सेम उसमें भी वही है। अब इसमें फर्क क्या है, आइकॉनिक की जब मशीनरी लेते हैं तब आपको रोटेशन नहीं है, आपको कभी भी बाल है यहाँ पे ओपन करके आपको हाथ से बालों को टर्न करना है। अगर मेरे बाल लूंगी तो ये मेरे हाथ से ही मुझे बालों को ऐसे रोटेट करना है, डाल के ही रोटेट करना है, इसमें मेरे को ऑप्शन नहीं है, मेरा हैंड मूवमेंट ही इसमें काम करेगा। बट जबकि अगर मैं स्टाइलेस का लेती हूँ तो मुझे हैंड मूवमेंट ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इसमें रोटेशन दिया हुआ है मशीनरी का। तो ये क्या कैसे काम करेगा, ऑलवेज रोटेशन वाला काम आपका इजी करेगा। यहाँ पे अगर मैंने डाला, ऐसे डाल दिया, तो ये मैंने हाथ से टर्न किया, खुद से उसने टर्निंग ले ली। टर्निंग लेने के साथ में टर्न रॉड मशीन क्या करेगा, मेरे हेयर में जो बेबी हेयर है वो भी साथ में लेता जाएगा। तो ये क्या काम आया आपका, टर्निंग भी आपकी ये रॉड ने कर दिया, yes। और साथ में इसने बेबी है, क्योंकि जनरली हम हाथ से फोल्ड करते तो कोई बेबी हेयर नहीं सेट होता है, वो सिर्फ बालों को हम टर्न करके हीट देने का काम। पर जब ये रॉड घूमता है बालों के अंदर तो जो उड़ते हुए बाल है उसको भी साथ में वो लेके जाता है, तो हर एक कर्ल्स आपका फिनिशिंग से बाहर आएगा, एक भी बालों में बेबी हेयर फ्लाई नहीं होंगे। और कर्ल्स एक ऐसी चीज है जो आप कोई भी हेयर नॉर्मल हेयर पे भी कर सकते हो, क्रीम की जरूरत नहीं है। तो तब आपकी क्रीम की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली क्रिम्पिंग वाले बाल नहीं है तो उनमें बेबी हेयर होना नेचुरल थिंग है। ओके, काम एक सप्ताह है क्या, काम मशीन काम है सब हमारे पास मिल जाएगी, आप कांटेक्ट कर सकते हो, हर एक प्रोडक्ट हेयर के रिलेटेड जो भी चाहिए आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। स्टाइलिशिंग मशीन ना एक तो आइकॉनिक से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हीट भी अच्छा है, हीट ज्यादा है और काम इजीली फास्ट होता है, सेम ही है ऑलमोस्ट सेम है, मुझे आइकॉनिक का अभी ज्यादा याद नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे रहेगा तो 200-300 रुपए आगे पीछे रहेगा, बट ऑलमोस्ट सेम है। आइकॉनिक में आई थिंक रोटेशन वाला आया है कि नहीं, आइडिया नहीं है, मे भी मैंने अभी तक लिया नहीं, मेरे पास भी दो ऐसे ही है, मैं आइकॉनिक का ये अभी भी यूज करती हूँ, मैंने वो लिया नहीं है, पहले मैंने सबसे पहले यही बाय किया था, बिकॉज ये अभी अभी लॉन्च हुआ है लास्ट 2 ईयर से। तो तब इसमें एक ही होता है कि क्लाइंट को करने जाते हैं ना तो हाथ से ही मूवमेंट करना पड़ता है, हाथ में ही घुमा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप इससे ऐसे ऐसे रोटेट करो, हाँ। हाथ पे पकड़ पीछे आगे पीछे इसको करो, बट उसमें आपका टाइम भी जाता है, और वो मशीन जब आपका खुद जैसे फटाफट कर्ल्स करेगा तब आपका काम बहुत ज्यादा क्विक होगा। अगर मैं बताओ तो आपको देखो आधा नहीं, अगर मैं इसके अगर इसको मुझे कर्ल्स करना है ये सेक्शन को तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको रॉड ओपन करके या तो हाथ से मूवमेंट करूंगी ऐसे, या तो फिर डाल के मुझे इसको ऐसे ऐसे टर्न नहीं पॉसिबल है घुमाना, आपको हाथ से ही मूवमेंट करनी है, ये इक्वल मूवमेंट, यही चीज हम ये मशीनरी से करते हैं। एक बार हाथ में हेयर में मशीनरी में डाल दिया फिर आपको हैंड मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको कौन से डायरेक्शन में डालना है वो डिसाइड करो एंड सी। हर एक बार उसके साथ में कवर लास्ट के एकदम है तो भी रह जाएंगे, फुल हो जाएगा, यही तो इसका बेस्ट पार्ट है। आइकॉनिक में हम ऐसे पकड़ के नहीं रखेंगे तो पूछ बनती है, हाँ वो दिखता है, हाँ, इसमें कैसे वो एंड भी कवर करेगा आपका राउंड में तो वो नहीं बनेगा आपका, नहीं तो हाथ से पकड़ने वाले में रह ही जाता है लास्ट पूरा कर्ल्स होके नीचे का पार्ट स्ट्रेट रह जाता है, हाँ। क्योंकि या तो हम हीट प्रॉपरली देते नहीं है या तो छोड़ देते हैं उसको गर्म लगने के डर में। ओके क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, तो प्रिपरेशन की तरफ बढ़े, कोई भी डाउट है पूछ लेना, या आगे और भी बहुत दिन है जहाँ पे मैं हर प्रोडक्ट यूज भी करने वाली हूँ, एक्सेप्ट सारे हार्ड स्प्रे यूज नहीं करने वाली, हार्ड स्प्रे में सिर्फ दो ही स्प्रे का नॉलेज दूंगी, एक टॉफ एक पी प्रोफेशनल, ज्यादा करके निर्भय जो रनिंग है हमारे सब यूज करके यूजलेस है। प्रिपरेशन की बारी आती है, तो प्रिपरेशन में
मैसी करना है या फिर आप कर्ल्स करने हैं तो आपको क्या प्रिपरेशन लगेगा? सिर्फ आपको ब्लो ड्राई, सिर्फ ब्लो ड्राई करके डायरेक्टली आप उस हेयर को कर्ल्स कर सकते हो या मैसी कर सकते हो। मैसी के लिए भी आप कर्ल्स ही यूज करने वाले हो, नॉर्मल कर्ल्स के लिए भी मशीनरी चेंज होगी आपकी बस। बट जब भी आपका एडवांस वेरिएशन करते हो और क्रिम्पिंग करते हो, बराबर है, एडवांस के लिए आपकी क्रिम्पिंग 100% हो जाएगी, ओके। बट कौन से हेयर पे किस लेवल पे क्रिम्पिंग करनी है, सबसे पहले आपकी हेयर टेक्सचर अगर मैं बात करूं तो देखो कितने हेयर टेक्सचर होते हैं हमारे पास अलग अलग। एक तो एकदम स्ट्रेट, एक हल्के वेवी, एक एकदम कर्ली है। अब एडवांस के लिए मुझे हेयर एकदम स्ट्रेट लुक चाहिए, चाहे मुझे वो पुलिंग टेक्निक करना हो, बालों में फ्लावर बनाना हो, कुछ भी करना हो, मरमेड करना हो, पोनी स्टाइल बनानी हो, कुछ भी बनानी हो, हेयर मुझे कैसा चाहिए, एकदम स्ट्रेट। अब ये वाले बाल स्ट्रेट ही है तो इसको मुझे प्रोसीजर सबसे पहले कंपल्सरी क्या होता है, ब्लो ड्राई 100% तीनों में ब्लो ड्राई जरूरी है, ताकि वो ब्लो ड्राई एक तो बेबी हेयर को भी सेट करेगा, बाउंस लाने का काम करेगा। हेयर स्टाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बाउंस, बाउंस के बिना आप आपका काम नहीं कर सकते। दूसरा बेबी, ये क्रीम स्ट्रेट हेयर में ब्लो ड्राई के बाद डायरेक्ट आप क्रीम कर सकते हो। थर्ड वेव, वेवी टेक्सचर है, मतलब ऐसा। अब इसको स्ट्रेट करना है तो भी सबसे पहली चीज आपकी ब्लो ड्राई एंड क्रीम। अब सब पूरे बाल भी होते हैं या ऐसे करके ऐसे भी होते हैं, ये जनरली कहां देखते हो आप, ऊपर से वेवी नीचे से स्ट्रेट, हाँ स्मूथनिंग के केस, स्मूथनिंग स्ट्रेट नहीं। आपको क्या, आप क्या सोचते हो, अरे स्ट्रेट ही तो है, इतने बालों के लिए मैं कहां ब्लो ड्राई करने जाऊं, डायरेक्टली क्रीम कर देती। ये स्ट्रेट बालों पे डायरेक्टली क्रीम करोगे तो एक बार चलेगा, बट जब ऐसा टेक्सचर आता है तो ये टेक्सचर को आप स्ट्रेट किए बिना डायरेक्टली क्रीम करोगे तो ये स्ट्रेट पोर्शन में आपका क्रीम टिकेगा ही। जब तक आप ऊपर से नीचे तक आओगे, नीचे से ऊपर क्रिम्पिंग करते, तब तक आपकी इतने पोर्शन में क्रिम्पिंग निकल गई रहेगी आपको। हाँ 100% सबसे पहले यहाँ पे टाइट ब्लो ड्राई, एकदम स्ट्रेट ब्लो ड्राई, इतने ही सेक्शन में ज्यादा ब्लो ड्राई चाहिए, क्योंकि ये ही टेक्सचर आपका खराब है, वेवी है, तो इतने टेक्सचर पे आप अच्छा सा ब्लो ड्राई देके छोड़ो और बाकी फिर क्रीम करना स्टार्ट कर दो। मुस्का यूज फिर से बताओ। मुस्का यूज में कल्स करूंगी, सब आपको वापस एक्सप्लेन करूंगी। एंड एकदम कर्ली है, एकदम कर्ली है, सिर्फ ब्लो ड्राई से स्ट्रेट होंगे नहीं होंगे ना। अगर मुझे एकदम कर्ली हेयर में मैसी लुक क्रिएट करना है तो मुझे कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो मुझे कर्ल्स बनाने हैं प्रिपरेशन से वो मेरे नेचुरली रेडी है, तो इसमें मैं डायरेक्टली हेयर स्टाइल करूंगी। बट यही हेयर स्टाइल में मुझे कुछ अच्छा फ्लावर बनाना है, परफेक्ट बन बनाना है, मरमेड स्टाइल बनानी है, तो बाल का टेक्सचर मुझे कैसा चाहिए, 100% स्ट्रेट चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ब्लो ड्राई से काम नहीं आएगा, उस बालों को स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आयरनिंग करनी है। आयरनिंग से बाल क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, वापस उसमें बाउंस टेक्सचर क्रिएट करने के लिए ब्लो ड्राई करना है एंड देन क्रिम्पिंग करनी है। तीन प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। बट आपको कहाँ पे करना है, फुल हेयर में मरमेड बनानी है या कैसे करना है, वो डिपेंड उतने ही पार्ट में आप प्रिपरेशन करो। H&K में आया है क्या, वो अच्छा है मैम? यस अच्छा होगा, मैंने ट्राई नहीं किया है बट आई थिंक अच्छा है। H&K में कर्ल्स भी आया है, वो भी बेस्ट है। ओके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन पार्ट, किस तरह से आपको कौन से टेक्सचर पे किस तरह से प्रिपेयर करना है। Good.
सी फोर स्ट्रक्चर कैसा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, हल्का सा वेवी है। तो इसमें मैं क्या करूंगी प्रिपरेशन के लिए, ब्लो ड्राई एंड डायरेक्टली क्रिम कर दूंगी। ये सेकंड है, एकदम थोड़े से कर्ली टेक्सचर है बट वेवी है, इनके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर्ली नहीं है, तो हम सिर्फ ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग से भी इनका प्रिपरेशन हो जाएगा। कैसे है टेक्सचर में फर्क है, ये हल्का वेव है, ये ज्यादा वेव है। तीसरा सी इनके टेक्सचर कैसे है, स्ट्रेट है बट जो मैंने बोला ना जो री ग्रोथ वाले बाल होते हैं वो आपके वेवी आते हैं, तो ये बाल स्ट्रेट है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप ब्लो ड्राई नहीं करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्रीम ये पार्ट में होगा ही नहीं, ये पार्ट में आपको जहाँ पे इनका री ग्रोथ का पोर्शन है हर जगह पे री ग्रोथ रहेगा, इतना पोर्शन सी थोड़ा सा ऊपर सी यहाँ पे थोड़ा सा री ग्रोथ है, उसको आपको कंपलसरी इतने सेक्शन में तो आपको ब्लो ड्राई करना है, फिर आप ये वाले बालों में क्रीम रह जाएगा क्योंकि ये नेचुरली स्ट्रेट ही है, केमिकली हो या नेचुरली हो स्ट्रेट है तो इस पे क्रीम रहेगा, बट इस पे आपको ब्लो ड्राई करके फिर पूरे बालों में आप क्रीम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया टेक्सचर अलग अलग कैसे है, किस तरह से प्रिपरेशन ब्लो ड्राई क्या होगा, अपन बाउंस वेट तो आणि बेबी हेयर सेट मी करते आता दाखवते मी कसं रिझल्ट काय येतो आपल्याला कळणार है ना। ब्लो ड्राई ऑलवेज आपका 2000 के एज अ प्रोफेशनल 2000 वॉल्ट के ऊपर का ही होना चाहिए, 2200 भी चलेगा, 400 भी चलेगा, दैट इज ओके, 2800 और उससे ज्यादा वो सलोन ओनर्स की काम आता है। कौनसा कंपनी आइकॉनिक, आइकॉनिक इज द बेस्ट ब्लो ड्राई और आइनिंग में तो यही अच्छा है, अभी तक इसका रिजल्ट अच्छा है। ये डाल डायरेक्टली ब्लो ड्राई करने जाओगे तो ब्लो ड्राई होगा नहीं। टैंगल फ्री करने के लिए कौन सा ब्रश बोला था, स्मॉल साइज पेडल ब्रश। ऑलवेज स्टाइलिंग भी स्टार्ट करते हो तो पहले आप स्टार्ट करने के पहले या क्लाइंट को दे दो क्विक के निकाल के दे दे आपकी टैंगल या आप उनको निकाल के दो। नेचुरल हेयर है बिना केमिकल ट्रीटेड है, मतलब जनरली स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग किए हुए बाल भी स्ट्रेट होते हैं, नेचुरल भी है। थोड़े से हेयर टेक्सचर मुझे कैसे लग रहे हैं, नीचे से बोलते शाइन, मे बी कंडीशनर यूज नहीं किया है, सिर्फ शैम्पू वॉश किया है, हेयर टेक्सचर को हाथ लगाओगे ना बहुत ज्यादा कूम करने के बाद भी टैंगल हो रहे हैं, रफ टेक्सचर अभी भी मेंटेन है, तो ये टेक्सचर आप कैसे मेंटेन करोगे, सीरम नहीं, इसकी जगह पे आप सीरम की जगह पे ये जो कंडीशनर मैंने बोला आप ये यूज कर सकते हो। सी अभी का टेक्सचर आप देख रहे हो, अब सिर्फ मुझे हाताला तेजी रफ रफ लगता है, हाँ आणि टैंगल क्रिएट होता है, किती ही कोम करा तो वापस से टैंगल हो जाते हैं, हाँ तो वो उनको मैनेज करने के लिए कि वापस टैंगल ना हो। सीरम लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, हेयर में ऑयल टेक्सचर हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए मुझे, यही अगर उसके ऊपर मुझे डायरेक्टली कर्ल्स करना है तो मूज एप्लीकेशन करके मैं इसको ब्लो ड्राई कर दूंगी, पहले कंडीशनर फिर मूज फिर ब्लो ड्राई। मूज क्या काम करेगा, जो मेरे बाल अभी भी रफ है
उसको और रफ करने वाला है, तो उसके पहले मैं उसके हेयर को रिपेयर कर दूंगी, फिर उस पर मूज लगाऊंगी, नहीं तो यही बात पे अगर डायरेक्ट मूज लगा दूंगी तो उनके हेयर एक्सट्रीम लेवल पे रफ हो जाएंगे। फिर उसको रिपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर भूल गई तो फिर सीरम, बट सीरम चलता है कर्ल्स के लिए? नहीं चलता है, तो इससे बेटर है आप पहले यूज करो। हाँ, अगर आप भूल गए तो आपके पास ड्राई सीरम अवेलेबल होना चाहिए, जो हमारे पास बीबी ब्रूम का है वो सीरम आप लगा सकते हो। सी अभी इनका टेक्सचर देखो, हाथ लगाते भी फील भी अच्छा हो रहा है। जनरली कई बार क्लाइंट आते हैं और उसे नरिश्ड हुआ, हाँ स्मूथ टेक्सचर, और कई बार क्लाइंट आते ना इतने हेयर पहले बहुत चलता था या अभी भी चल रहा है, कलर बैक साइड ज्यादा हाईलाइट वाले कलर्स होते हैं उसमें भी रफ टेक्सचर बहुत होते, नीचे से स्प्लिट इंस आ गए, उसको भी रिपेयर आप इस तरह से कर सकते हो। मुझे कंडीशनर लो, खूब चांगला है इंस्टेंट, मतलब कंडीशनिंग लगाया आपका क्लाइंट ला, अपन ऑलवेज क्लाइंट को कभी भी आप कंडीशनर नहीं बोलो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तो टेक्सचर क्रिएट कर देता है हेयर के ऊपर, क्रिम्पिंग भी टिकने नहीं देती आपकी। तो आप एक क्लाइंट को चार दिन रखनी है या दो तीन हेयर स्टाइल एक ही दिन में करना है, पूरा दिन क्रिम्पिंग चलाना, तो वो रहने नहीं देता है कंडीशनर, इसीलिए हम कंडीशनर बालों में अवॉइड करने बोलते हैं। नाउ सेक्शनिंग पार्ट, फर्स्ट सेक्शन कहां से होता है, मिडल ऑफ द हाइब्रो नोज पार्ट लेना है, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से ये सेक्शन आपका फर्स्ट अराउंड फोर फिंगर का आपका सेक्शन होना चाहिए, टॉप ऑफ द हेड इसका, किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है, ग्रोथ पे डिपेंड है, बट आपका जजमेंट फोर फिंगर का जजमेंट। और सेकेंड यहां से आप स्टार्ट करोगे तो मिडल ऑफ द ईयर का स्ट्रेट, ये आपका सेक्शनिंग हो गया प्रॉपर, इसके कान के एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हो, अगर वेरिएशन के लिए आपको पता है आगे पीछे ज्यादा बाल चाहिए तो आप थोड़ा सा उनको, बट ये देखो सेक्शन एकदम स्ट्रेट आने चाहिए, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। ये आपका फर्स्ट सेक्शन, यहाँ पे मैंने फ्रंट सेक्शन को मैंने अलग कर दिया, सेम यहां से ये जो सेक्शन हमने स्टार्ट किया है, सबसे पहले कभी भी सेक्शनिंग करते हो ना जो साइड में आपको सेक्शन करना है वहां पे कोम कर दिया करो। अब यहां से ये सेक्शन यहां से मैंने यहां पे कंटिन्यू किया, एग्जैक्ट सेक्शन रहेगा दोनों साइड, तो ये आपका सेक्शन थियर का फर्स्ट सेक्शन भी हो गया, दोनों सेक्शन मैंने अलग कर दिए, एंड दिस इज द बैक पार्ट। बैक में सबसे पहले अभी ब्लो ड्राई करते हैं, ब्लो ड्राई इतने सेक्शन में आपके क्विक होना चाहिए, ओनली तीन पार्ट तीन सेक्शन में आपका ब्लो ड्राई कंप्लीट हो जाना चाहिए, दिस वन इज योर फर्स्ट सेक्शन सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ज्यादा सेक्शन नहीं लेना है ब्लो ड्राई के लिए। कितना टाइम होता है ऑर्डर्स पे करना है, दो मिनट के ऊपर आपका ब्लो ड्राई को टाइम नहीं लगना चाहिए, इसीलिए सेक्शन बढ़ा दिया ना। हाँ अभी अगर देखो मुझे बैक में सिर्फ वन बनाना है तो इज इट नेसेसरी बैक में मैं ब्लो ड्राई करूं, ज्यादा करके प्रिपरेशन आपको फ्रंट सेक्शन की करनी होगी, बैक की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हाफ का मैं रिजल्ट दिखाती हूँ, हाफ रिजल्ट देख लो पहले, अभी का टेक्सचर और आफ्टर टेक्सचर देखेंगे। ऑलवेज आपको इसको 90 डिग्री पे लेके जाना है, टाइट रखना है एंड डाउनवर्ड, डायरेक्टली करूं होगा, बट सेक्शन मेरा एकदम थिन हो जाएगा, प्रेशर मेरा डबल हो जाएगा,
तो आपको क्या चाहिए, सेक्शन थिन होके जो मेरे एक सेक्शन में काम होता है उसको मैंने तीन सेक्शन में डिवाइड करना है, जो मेरा नॉर्मल प्रेशर पे काम हो उसका डबल प्रेशर करना है क्रिम्पिंग के टाइम, या क्विक ब्लो ड्राई करके फास्ट काम करना है। ये दोनों टेक्सचर में फर्क दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि किसी के हेयर में क्रिम्पिंग नहीं टिकती है, क्यों नहीं टिकती, ब्लो ड्राई नहीं किया है। अब इनके हेयर मैंने परफेक्टली ब्लो ड्राई करके क्रिम किया है, तो ये अगर चार दिन भी रखेगी तो क्रिम्पिंग निकलेगी नहीं। निकलेगी कहाँ पे, अगर इनको स्वेटिंग ज्यादा है तो ये जो एजिस के पार्ट है वहां पे ही निकलेगी, से बाकी पूरे हेयर में नहीं निकलती है। जनरली विंटर सीजन में तो बिल्कुल नहीं निकलती, क्योंकि वहां पे तब आपकी स्वेटिंग बहुत मिनिमम होती है। सी कैसे, पहले डाला 90 डिग्री पे, खींचना है इसको, इतना ही लेना है। किसी के रीग्रोथ वाले बाल है ना, तो आपको इतना ही प्रिपेयर करना है, जनरली रीग्रोथ इतना ही। डाउनवर्ड एकदम हेयर को टच करके रखना है, हवा में नहीं करना है, ऐसे नहीं ऐसे, एकदम टच और डाउनवर्ड। देखो अभी टाइमर भी नहीं होगा, इस बाल को मुझे डायरेक्टली कर्ल्स करना है तो इजीली मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। ऑलरेडी इसके बालों में मूज लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि रफ टेक्सचर है, तो डायरेक्टली कर्ल्स भी हो जाएंगे। रफ टेक्सचर नहीं है तब भी आपको सिर्फ मूज एप्लीकेशन करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बालों में कर्ल्स करने के लिए आपको मूज लगाना ही होता है। ऑलरेडी आपको पता है कि रफ है, बाल दिख रहे हैं, हाथ लगा के फील हो रहा है कि रफ है, जरूरत नहीं है आपको कर्ल्स मूज लगाने की, क्योंकि मूस का काम भी वही है जो आपका ऑलरेडी जनरेटेड है आपके बालों में, रफ टेक्सचर। कर्ल्स हार्डली ना होते ना, 2 मिनट्स, 2 मिनट में अंदर होना चाहिए आपका। उनके बालों की जरूरत नहीं है दिखाने की, क्योंकि उनके स्ट्रेट और थोड़े से वेट है, उनका ज्यादा है जो मैं इस पे दिखाई रही हूँ, रीग्रोथ का पार्ट रहता है, तो उसमें सिर्फ आपको जो इतना हीट है ना वो ही एक्स्ट्रा देना है जो मैं अभी कर रही हूँ, ज्यादा करके मैं यहाँ पे ज्यादा दे रही हूँ। जनरली रीग्रोथ वाले बाल यहाँ से लेके थोड़ा सा 90 डिग्री पे खींचोगे, ये आपका रीग्रोथ का पार्ट भी हो जाएगा। 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि बाउंस क्रिएट करेगा, अगर मैं ये करूंगी 45 डिग्री फ्लैट कर दिया जाता है, मुझे हर टाइम बाउंस चाहिए, इसीलिए मैं हर एंगल के एंगल का बाउंस ये रहा, ये एंगल का बाउंस ये रहा, हर एंगल का स्ट्रेट बाउंस लेना है आपको। ये आपके रीग्रोथ वाले बालों का ब्लो ड्राई है, ठीक है, ये थोड़ा 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 नीचे जाते जाओ एकदम नेचुरल। क्या होगा इसका, पकड़ के स्ट्रेट
ये इसका 90, हर इसमें हेड शेप में आपका 90 डिग्री चेंज होता है। फिर आप इसको नीचे लेके जाओ, चलेगा। है ना, नीचे से ऊपर गए, हर एक में शेप एंगल देगा। पहले एंगल ऐसा था, फिर एंगल ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर एकदम स्ट्रेट हुआ, क्योंकि हेड अपना ऐसा जाता है, हर एक का एंगल अलग अलग होता है। फास्ट में घुमा देना, क्योंकि जो बेबी है साउथ होते हैं उसको भी हमें सेट करना है। ये टेक्सचर वाले बाल हल्के कर्ली हेयर है थोड़े से, पहले तो हमें क्या करना है, इसके हेयर को टैंगल फ्री करना है। इनका कैसे है, स्ट्रेटनिंग वाले ही बाल है, बट ऑलमोस्ट उनकी स्ट्रेटनिंग निकल के रीग्रोथ इतना आ गया है। लग बोलते ना, लास्ट कब किया था आपने, कब किया था स्मूथनिंग, कभी किया लास्ट 4-5 है। इनका टेक्सचर ऑलरेडी बेबी है, नेचुरली सिर्फ उन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट की हुई है, तो वो भी उनको 4-5 महीना हो गया है, तो केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट पूरा हेयर से निकल गया है, पूरा हेयर वापस से जो टेक्सचर था उनका वो आ जाता है अगर मेंटेन प्रॉपरली नहीं। तो इनके टेक्सचर में भी आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट जब मैंने कूम किया तो देखो हार्डली सम डिफरेंस है उनके और इनके को। कई बार क्लाइंट ना ऐसे भी आ जाते हैं विदाउट प्रॉपरली कोम किए, मैनेज किए बिना, या सीरम विरम एप्लीकेशन नहीं करते प्रॉपरली, तो रफ टेक्सचर की वजह से हमें लगता है कि बहुत ज्यादा डैमेज है, बट नहीं होते। देखो कोम करने के बाद क्या हुआ, उनका टेक्सचर इनके टेक्सचर में ऑलमोस्ट सेम है, बट उन्होंने कोम नहीं किया इसीलिए हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा कर ली। सेम फर्स्ट एंटी आपको सिर्फ ऊपर के पार्ट को करना है, फिर नीचे इतना जरूरत नहीं है। जो मैं पहला टेक्सचर खींचती हूँ, जो इतना पार्ट है उसको ही ज्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद क्यों कम चाहिए पता है, क्योंकि जो यहाँ तक के आपकी हेयर है ऑलमोस्ट इसके डबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हीट ज्यादा और यहाँ पे फिर इतनी हीट नहीं लगती, क्योंकि ऑलरेडी लेंथ यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है बालों की, है ना। टेक्सचर ऑलमोस्ट वही टेक्सचर करके सिमिलर है, कोई फर्क नहीं हुआ। अगर इससे भी ज्यादा पर्ली होते तो मैं क्या करती, सबसे पहले आईलाइनर, फिर ब्लो ड्राई, फिर क्रीम, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम जो पर्ली, जो कर्ली टेक्सचर मैंने दिखाया अभी, तो पहला कर्ली टेक्सचर में ब्लो ड्राई करेंगे नहीं करेंगे, डायरेक्टली आयरन घुमाएंगे, आयरन से फटाफट स्ट्रेट करेंगे, नहीं तो 4 प्रोसेस हो जाएंगे। पहले ब्लो ड्राई किया तो बाउंस दे दिया, बट वापस से उस पर आयरन किया तो उसको आपने फ्लैट किया, फिर फ्लैट होने के बाद मुझे हेयर स्टाइल के लिए वापस से बाउंस टेक्सचर चाहिए, तो वापस मुझे ब्लो ड्राई करना पड़ेगा। इससे बेटर है पहले फटाफट से आयरन बड़ा बड़ा कर दो, फिर उस पर ब्लो ड्राई करो, फिर उस पर क्रिपिंग करो। प्रोसेस एक प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो स्ट्रेट लुक करने का काम है वो क्रिपिंग भी करेगा आपका, तो आयरनिंग निकलेगी नहीं आपकी, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम हुई, कोई चेंजेस हुए ये बाल पे और वो बाल पे, सी दिखने में ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा कर्ली है, बट हीट अगर आप प्रॉपर दोगे तो वो हेयर भी सेम हेयर ही है। सी टैंगल फ्री करो प्रॉपरली, हो गया।
नहीं गलत है क्योंकि ये रफ नहीं है, फील होता है हाथ जब लगाते हो ना किसी के बालों में, रफ टेक्सचर का फील होता है। इसके बाल रफ नहीं है, सिर्फ रफ नहीं होने का रीजन एक तो केमिकल ट्रीटेड भी नहीं, सिर्फ कैरेटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट वाले बाल है। डालो यहाँ पे आप इसका थंब पकड़ लेना टाइट, फिर आप इसको प्रेशर से खींचो। ये पोर्शन आपका जितना टाइट रहेगा ना हेयर पे उतना आपका ग्रो ड्राई अच्छा होगा। फ्रंट के लिए जब भी बारी आती है तो फ्रंट में आपका क्या यूज होता है, राउंड राउंड भी यूज कर सकते हो बॉक्स पार्ट के लिए, बट जब आप साइड का पोर्शन यूज करते हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो साइड के पोर्शन के लिए। तो फ्रंट अभी सेक्शन कभी भी फ्रंट का ब्लो ड्राई करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट में आपका ये पोर्शन जिसको क्या बोलते हैं बॉक्स सेक्शन, मतलब मिडल ऑफ दी आईब्रो से दूसरा, ये आपका मेन पोर्शन होता है जहां पे आपको बाउंस रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फिर ऊपर लेना है साइड लेना है। तो देखो साइड का भी ये फ्लैट है, इसको आपको हर एक में बाउंस की जरूरत होती है। ये पोर्शन का सेंटर सेंटर हाँ बॉक्स पार्टीशन, मिडल ऑफ दी आईब्रो इधर से मिडल ऑफ दी आईब्रो, दोनों साइड से मिडल ऑफ दी आईब्रो, और इस सेक्शन को बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। तो ये सेक्शन का प्रिपरेशन अलग होगा, यहाँ से प्रिपरेशन ये दो सेक्शन का अलग होगा। अब ये प्रिपरेशन ये सेक्शन में अगर मैं एक एक सेक्शन को इस तरह से प्रिपेयर करूंगी तो ये क्या काम करेगा, इसको मैं दो सेक्शन में डिवाइड करती हूँ तो ये क्या काम करेगा, बाउंस देगा नहीं देगा। अब जनरली ब्लोड ड्राई करते हो तो जो साइड के दो सेक्शन है उसको आपको ब्लोड ड्राई ऐसे और आगे की तरफ करना है, जिससे आप पैक में डालते हो तो इसका एक बाउंस क्रिएट होता है। यहाँ पे जनरली बाउंस नहीं मिलता है ना, बैक कॉमिंग कितना करेंगे, बाल बहुत कम यहाँ पे, इसीलिए इसका क्रिम्पिंग भी यही मेथड से करना है, आइनिंग भी यही मेथड से करना है, और ब्लो ड्राई भी सेम यही टेक्निक से आपको करनी है आगे की तरफ, जिससे आपके यहाँ पे बेबी हेयर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, बाउंस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, सेम यहाँ पे पकड़ा थोड़ा सा नीचे आगे ले लिया, थोड़ा सा मूव हो जाओ, मैं दूसरा टेक्सचर दिखाती हूँ वो साइड से। बेबी हेयर यहाँ पे जनरली क्रीम की आयरन करते तो यहाँ पे बेबी हेयर जाते ही वो रह जाते, तो ये तकनीक से करोगे क्रीमिंग ब्लो ड्राई आयरनिंग तीनों का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ
आगे की तरफ करना है। यहाँ पे पकड़ा बैक साइड से आगे की तरफ फ्रंट किया हाफ लेके फिर नीचे की साइड बाल सेट करके नीचे सी। अभी से फ्रंट फ्रंट में हम यहाँ पे आपका प्रिपरेशन फ्रंट पार्ट पे होगा। क्लाइंट के आगे की तरफ लेना है एंड एक एक सेक्शन लोड रखे थे बड़ा बड़ा सेक्शन दो ही सेक्शन का बट क्रिम क्रिम कर रहे हो तो तीन से चार सेक्शन में क्रिम कर और एकदम से खोली दो। हाँ और राउंड ब्रश, राउंड ब्रश नीचे की साइड डालेंगे। राउंड ब्रश लेने का रीजन ये 1 2 3 ब्रश घुमा घुमा के मैंने उसको बाउंस दिया देखा, जो आपके फ्लैट ब्रश में आप घुमा नहीं सकते उसको बाउंस क्रिएट नहीं कर सकते। डाला बैक साइड का बाउंस देखो फिर दूसरा। इनके लेंथ और वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है इसीलिए दो सेक्शन, किसी के वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तो तीन सेक्शन करो, दो तो करना ही है, तीन पे जा सकते हो फ्रंट सेक्शन में। हेयर ड्रायर कितना वॉट का होना चाहिए? क्या हेयर ड्रायर कितना वॉट्स का होना चाहिए? ये 2000 के ऊपर का होना चाहिए ऑलवेज। जिनको हम पता है ऐसे एस बनाते हैं हाँ, स्पेशली ब्राइड या ब्राइड की मॉम को देते हैं क्योंकि जनरली उनका बाउंस नहीं होता है ना बालों में, तो हम ऐसे करके ये देखो बाउंस दे सकते हैं। हल्का सा पीछे बैक कॉमिंग करेंगे तो और ज्यादा बाउंस आ जाएगा। और दूसरा क्रिमिनल आई नहीं जनरल लोगों से अजून होना वॉल्यूम और ज्यादा वॉल्यूम बट मिलेगा आई मीन हैज पोजीशन या पुढे पुढे घेतल्यावर हे या ऑपोजिट। आपको पता है क्लाइंट को आपको ये साइड देना है तो हर एक बाल को आपको वो साइड आयरन करनी है, ऐसे डायरेक्शन में आयरन करो और फिर बालों को ये साइड डाल दो। आयरन भी ऑपोजिट डायरेक्शन, क्रिम्पिंग भी जितना आप ऑपोजिट डायरेक्शन करोगे और फिर बालों को पीछे डालोगे वो बाउंस क्रिएट करता है। सेम किसी किसी को बैक कॉमिंग में पफ पसंद नहीं आता है तो जनरली हम पफ में क्रिम्पिंग इस तरह से करते हैं एक एक सेक्शन, तो इंस्टेड ऑफ नीचे हर एक सेक्शन आपको इस तरह से करना है फ्रंट में, यहां से क्रिम्प लेके ऐसे फिर दूसरा सेक्शन लिया ऐसे और फिर उसको आप पीछे छोड़ दो तो उसका बाउंस नेचुरल बाउंस से क्रिएट होगा, तो उस पे जो बैक कॉमिंग ना बोल रहे वो प्रॉब्लम सॉल्व। आईनिंग भी ऑपोजिट डायरेक्शन आईनिंग करो और फिर उसको छोड़ दो नेचुरली बाउंस क्रिएट। जितना भी चीज आप मशीनरी ऑपोजिट वे में यूज करोगे और फिर उसको बैकवर्ड डालोगे तो बाउंस क्रिएट करेगा, फिर मिनिमम बैक कॉमिंग आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है क्लियर अबाउट दी ब्लोड रैक एनी डाउट्स? चाल मैम चल अब वाला प्रिंटिंग भी चालू करो। चल
चलो अभी क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग में भी हाँ दूसरा भी दिखाना। क्रिम्पिंग में अगर उनके नेचुरली स्ट्रेट जस्ट कैरेटिन या स्मूथनिंग करके आए हैं और बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है और आपको एक्सट्रीम ग्रोथ होता है तो क्रिम करके क्या हो जाता है, ग्रोथ क्या होती है, डबल हो जाती है, जो मैनेजेबल भी कभी कभी नहीं हो। तो आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो, एक लेयर पे आप क्रिम लो, दूसरे लेयर पे क्रिम स्किप करो, वापस से तीसरे लेयर पे क्रिम लो, चौथा लेयर स्किप करो, मतलब लेयर इक्वल साइज का होना चाहिए। तो इस तरह से उनका एक्सट्रीम डबल ग्रो वॉल्यूम भी नहीं होगा, वो मैनेजेबल हो जाएगा है। ठीक है, फर्स्ट आपने सेक्शन देखा मैंने कितना थिन लिया है, इतने थिन सेक्शन में आपको काम करना है। फर्स्ट मैं आइकॉनिक की क्रिम्पिंग, माइक्रो क्रिम्पिंग से यूज दिखा रही हूँ। इधर से बता दो आपकी वॉटर वगैरह सबसे पहली चीज क्रिम्पिंग में आपका रूट टच होना जरूरी है, रूट नहीं होगा तो आपका जो मेन पोर्शन है वो रह जाएगा। तो क्रिम्पिंग ऑलवेज फर्स्ट, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे डालूंगी तो क्या हुआ, देखा आपने यहाँ का सेक्शन रह गया और बाउंस भी नहीं आया। क्रिम्पिंग से भी आपको बाउंस लेके आना है, तो क्रिम्पिंग से बाउंस भी सेम। सबसे पहले तो ये रीजन होता है, यहाँ पे कभी कभी करते हैं ना और ऑयल टेक्सचर या स्वेटिंग वाला रहता है तो सीधा हीट पे स्काल्प रखते हैं, क्लाइंट बोलते हैं ना उनके हीट पे बहुत ज्यादा चटके लग रहे हैं। दूसरा रीजन, आपको ऐसे नहीं करके कभी भी क्लाइंट के हेयर को ऊपर की तरफ फोर्स करना है और ब्लो करते जाओ, तीन बार प्रेस करो, कंटिन्यू प्रेसिंग नहीं रखनी है। कंटिन्यू प्रेसिंग में एक्सट्रीम एक साथ हीट निकलेगी आपके ऊपर या तो क्लाइंट के ऊपर। प्रेस छोड़ो, प्रेस छोड़ो, प्रेस छोड़ो ऊपर के डायरेक्शन में, फिर आप उसको नीचे लेके आओ, 1 2 3 4 5 और फिर सिंगल हैंड प्रेशर। क्यों सिंगल हैंड प्रेशर, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम कम है, एक्सट्रीम हीट भी हेयर पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे हेयर वॉल्यूम ज्यादा था इसीलिए डबल हैंड प्रेशर, यहाँ पे हेयर जैसे जैसे कम होते गए अराउंड 3/4 एरिया तक आपका डबल हैंड प्रेशर और फिर सिंगल हैंड प्रेशर। सी क्रिम्पिंग ऑलमोस्ट सेम ही होगी, कोई फर्क नहीं होगा, ये आपका टेक्सचर आना चाहिए इतना ही क्रिम्प, इससे एक्सट्रीम क्रिम्प नहीं होना चाहिए। आपको घुमाओगे क्रिम्पिंग इतना ही दीजिए, अगेन सेकेंड और सेक्शन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा भी कम ज्यादा हुआ आपका इक्वल रूट तक नहीं जाएगा मशीन। हेयर इसके थीन है तो मैंने थोड़ा सा थिक सेक्शन लिया है, पर जिनके हेयर ऑलरेडी आपको फील हो रहा है कि थिकनेस ज्यादा है तो और पतला सेक्शन में काम करो, थोड़ा सा नीचे देखना, 1 और ब्लो करो। ब्लो करने से क्या होगा, जो हीट निकल रही है ना सीधे आपके फेस पे आती है, आपके फेस पे ना आए इसीलिए ब्लो कर दो। फिर प्रेशर प्रेशर प्रेशर, सी यहाँ पे दिख रहा है ऊपर आया है टेक्सचर, बाउंस होके फिर नीचे जा रहा है हर इसमें आपका बाउंस। स्पेशली जब फ्रंट में काम करोगे तो ये बाउंस बहुत जरूरी है, बैक में इतना नहीं चलता है, बैक में नहीं आएगा बट बाउंस आना जरूरी है। गॉट इट, नीचे से ऊपर 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 टिल दी पफ एरिया यहाँ तक हाई हेड तक आपके हेड के अब तक ऐसे ही 1 2 3 4 5 सेक्शन आते आते इधर तक आना है, फ्रंट आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, एनी डाउट। मैम डमी कौन से लेने चाहिए, ये ले लो मैं बताऊंगी डमी का भी बारे में बताऊंगी, टेंशन मत लो। एक लाइव सेशन में मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया था, कभी भी ओरिजिनल डमी पे आप इन्वेस्ट मत करना, 80-20 लेनी है
सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, हैंड मूवमेंट करनी है, जो रियल डमी के जो पैसे बचते हैं ना वो रियल मॉडल पे खर्चा करना, क्योंकि एट दी एंड कितना भी डमी 100% रियल होगा वो डमी ही है, वो रियल हेयर का टेक्सचर नहीं है, क्योंकि डमी और रियल हेयर के टेक्सचर कब भी आपको मार्केट में क्या कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आप ऑलमोस्ट 5-6 हजार की डमी ले लेना, 15-20 हजार इन्वेस्ट करते हो डमी पे, फालतू है, बेस्ती मत करो, 5-6 हजार 7 हजार मैक्सिमम डमी, बाकी का जो 10 हजार बचता है वो मॉडल को पे करो, ताकि आपकी रियल हेयर पे प्रैक्टिस हो, फिनिशिंग बढ़े, आपको हर टेक्सचर के बालों पे कैसे काम करना है, कितने छोटे बाल आते हैं, कितने बड़े बाल आते हैं, हर तरह की मॉडल मिल जाएगी इतने में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आज तक मैंने वही डमी पे काम किया है, 80-20 डमी पे ही काम किया है। डमी सिर्फ आपकी हैंड मूवमेंट के लिए है, नया कुछ वेरिएशन, नया कुछ सीख रहे हो, हाथ किस तरह से घुमाना है, पीस किस तरह से, पिन किस तरह से डालनी है, मोल्डिंग किस तरह से करनी है, सेक्शन कहाँ पे होता है, बस उसके लिए है। बाकी करियर आपने अगर 1 महीना डमी पे फिनिशिंग लाने को काम किया है, और फिर जब आप रियल हेयर पे आते हो आप जीरो ही हो, जीरो से ही रियल हेयर पे चालू होगा आपका, सिर्फ आपको तब तक नॉलेज है सेक्शन किस तरह से करना है, हैंड मूवमेंट कहाँ पे करनी है, पिनिंग कहाँ पे। रियल स्टार्टिंग आपका जब 100% फिनिशिंग डमी पे आई, बेबी है डमी पे चले गए, फिर जब रियल पे स्टार्ट करते वो आपका डे वन है, तब से आपको समझ में आएगा डमी पे बाल मेरे छूटते नहीं थे, बट रियल में मैं पोनी भी बनाती हूँ ना, तो मेरे पोनी लूज हो जाती है, टाइट हो जाती है, बाल छूट जाते हैं, सेक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो सब रियल पे समझ में आता है। ओके तो मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, आज हमारा बन का वेरिएशन है, तो इसके बाद मैं फ्रंट का प्रिपरेशन क्रिम्पिंग दिखाती हूँ, थोड़ा सा पफ एरिया ले लेती हूँ। पफ कहाँ पे निकालोगे, अगर बन बना रही हूँ तो पफ का सेक्शन कहाँ होगा, जो हमारा ईयर सेक्शन है, यहाँ से उससे 2 फिंगर अप, आपका यहाँ से वन साइड से अनदर ईयर तक, यहाँ तक नहीं निकल रहा है, तब तक आपको कोन चलाना है, फिर आपको हेयर को ऊपर लेना है, सी स्ट्रेट 1 ईयर टू अनदर ईयर 2 फिंगर अप, ये आपका स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बन के लिए सेक्शन हो गया। अभी यही पफ मुझे ओपन लूप वेरिएशन मरमेड स्टाइल के लिए करना है, वेस्टर्न में पफ ही नहीं होता है, पूरी हाइट को ही बनती है, बट ओपन लूप मरमेड स्टाइल के लिए ऑलमोस्ट 3-4 फिंगर अप यहाँ से, इतना ओपन यानी मरमेड स्टाइल बन के लिए हम किसी भी तरह का बन बनाएंगे तो यही 2 फिंगर अप चाहिए। 2 फिंगर भी क्यों छोड़ना है, क्योंकि वहां पे फ्रंट हेयर आने वाले है, ये आपका फिंगर है, नहीं 4 फिंगर तो ये उसके लिए मरमेड ये और ओपन वेरिएशन, एक्सटेंशन डालते हो, ओपन लुक करते हो, एनीथिंग मरमेड रेदर देन बन, उसके लिए 2 टाइप के अलग अलग पफ कर दिए, सेक्शनिंग गड़बड़ नहीं करनी, यहां से लेना है और यहां से, यह आपका क्लियर पूरा सेक्शन, इसका हम ये बना दे उसे क्या बुफोन पफ, बुफोन बोलते पफ बोलते जनरली पफ, इज द परफेक्ट लैंग्वेज, इसका बाद में दिखाती हूँ कोनी किस तरह से बनानी है, अभी से टेप अब एक जगह कोनी सेक्शन इधर है सब, इधर सेक्शन है।
यहाँ पे भी सेम, कभी भी इधर ऐसे लूंगी अभी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, देखो ऊपर का इतना पार्ट छूट जाता है। ऑलवेज इसको अप डायरेक्शन, प्रेस छोड़ो, प्रेस छोड़ो, प्रेस, ताकि रूट तक जाए और फिर प्रेस 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 प्रेस। वो गर्म किया है क्या? वो साइड के लिए आती है। Part, right? Yes. अगर है, तो पफ का सिर्फ डायरेक्शन करो, बस फ्रंट का एक लाइन या दो लाइन करो, ताकि ऊपर का पफ का एटलीस्ट फिनिशिंग अच्छा दिखे। नहीं लगेगा टाइम, नीचे का प्रिपरेशन ही मत करो कभी। नीचे अगर आपको बर्न में भी कुछ वेरिएशन करना है, टाइम नहीं है, सप्लीमेंट यूज करो, ये जो पोनी सप्लीमेंट दिखाई थी वो यूज करो वेरिएशन के लिए। मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, कभी भी टीम वर्क में काम करो, दो जन में काम करो या असिस्टेंट हायर करो। जब तक आप मेकअप कर रहे हो तब तक उसको क्रीम किंग का पार्ट दे दो, उसका पफ और फ्रंट होगा उतने में आपका मेकअप हो जाना चाहिए। वो कब कर सकते हो? जब आप ले रहे हो अच्छा खासा पे ले रहे हो, जब जनरली अगर आप बोल रहे हो चलो नहीं ले सकते, टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे? सिंपल वेरिएशन दे दोगे, जिससे माइट भी आपके दूसरे क्लाइंट, कभी आपने 2000 लिया है तो वो कभी आपको 5000 नहीं देगा, दूसरा भी आएगा वो 5000 नहीं देगा, क्योंकि आपने मार्केट से कुछ अलग नहीं किया। और आपने क्या किया, 2000 के लिए आपने सोलो काम किया, किसी असिस्टेंट को भी नहीं लेके गए, दूसरी आपकी फ्रेंड को भी नहीं लेके गए कि वो हेयर करे आप मेकअप करो। उससे क्या होता है, अगर दो जन में काम करोगे, आपने मेकअप भी एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा दिया, उतने ही टाइम में आपने हेयर भी एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा दिया, 2000 की जगह पे आप उसको 6-7 हजार का कोट कर सकते हो, दोनों डिवाइड करो। असिस्टेंट है तो हार्डली 1000 रुपीज बोलेगी, 5-6 हजार आपकी जेब में आएगी। अगर दो जन जाते हो तो 2000 जो आप अकेले पूरा कर रहे थे उसमें बेस्ट काम नहीं किया, दो जन गए तो 3-3 हजार भरे डिवाइड किया, और उससे आपका क्राउड कितना आएगा? 2000 से 3000 तो आपको मिले ही ना, और सिर्फ एक ही चीज आपने की, मेकअप या है, दूसरा चीज तो उसने किया। तो कभी भी ऐसे सोचने का कि क्लाइंट को बेस्ट दो और ज्यादा पैसे दो। आते हैं आजकल तो, अरे यार नहीं बहुत ज्यादा होते हैं जनरली ब्राइड पे आते हैं, रियल क्लाइंट ने तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं देते, बट जिसको काम पसंद आएगा ना वो देंगे ब्राइड्स। हाँ आप कोट कर सकते हो भाई मेरा काम के हिसाब से, फिर अगर उनको नहीं करना है 2000 वाला ही चाहिए तो आप किसी को भी देखिए मजा, क्योंकि आपको प्रिपरेशन का उतना टाइम रखने नहीं वाला है। बट अगर क्लाइंट रेडी है देने के लिए बट आपके पास टाइम नहीं और इसलिए ना बोल रहे हो तो आपका लॉस है, मार्केट में आप ही आपका काम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, मॉडल आपका काम प्रेजेंट करने नहीं जाती, आपका काम प्रेजेंट 1000 के क्राउड में क्लाइंट ही जाता है, उससे ही दूसरा क्लाइंट आएगा, मॉडल के वर्क से दूसरा क्लाइंट नहीं आता है। जितना रियल क्लाइंट अगर 10 जन के बीच में या 100 जन के बीच में वेडिंग में जाएगी उसका इम्प्रेशन अलग होता है, एक मॉडल वर्क में मैं फोटोशूट भी करके क्लाइंट को दिखाऊंगी ना तो माइट भी उससे मुझे एक ही क्लाइंट रिटर्न मिलेगा, बट वो क्राउड में गया हुआ मेरे को 10 क्लाइंट लेके आएगा, तो ये फर्क सामने सामने देखते देख रहे हैं। चार ब्यूटिशियन ने एक ही वेडिंग में काम किया है, तीनों ने सिंपल दिया, तो और नोटिस होगा क्या? नहीं होगा। मेरे घर में नेक्स्ट मंथ में शादी है तो मैं क्या देखूंगी? सबसे पहले सबका मेकअप नोटिस करूंगी, सबका हेयर नोटिस करूंगी, इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, मेंटालिटी। हम ब्यूटिशियन भी जाते हैं ना तो सबका मेकअप देखते हैं, किसने मेकअप क्या किया, किसने हेयर क्या दिया है, दो लोगों के घर में जिसकी शादी है सबसे पहले देखते हैं। अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसका कुछ नया है, जो तीनों ने नहीं किया और चौथी ने करके दिया, वो अट्रैक्शन होते हैं।
और उसको कभी भी प्राइस रेंज मांगेंगे तो जो चारों को इंक्वायरी मैं करूंगी, बाकी तीन के 2000 रहेंगे, मेरे 5000 रहेंगे, तो उसको लगेगा कि यस 5000 वर्थ है, वैल्यूएबल है, क्योंकि उसने दिया है। तो आप आपका काम बढ़ाओ, तो आप आपके पैसे बढ़ाओ। आप बोलो ना क्लाइंट को, मेरे पास 1000 रुपए वाला भी काम, आपको कैसा काम चाहिए? और आजकल इतना मेकअप में तो इतना बकवास इंडस्ट्री हो गया है ना, एचडी के नाम पे क्राइलॉन देते हैं। हाँ, और बोलते हैं एचडी मेकअप करके देंगे 3000 लेते हैं, और क्राइलॉन का मेकअप चिपका, तो क्लाइंट को जीरो नॉलेज एचडी की है कि क्राइलॉन की है। उसके चक्कर में अच्छे प्राइस वाले भी फंस जाते हैं। तो क्या करो, तभी आप दोनों काम आपके हाथ में रेडी रखो, क्लाइंट को दिखाने, देखो ये क्राइलॉन है, ये एचडी है, तो आप क्लाइंट को बता सकते हो, तब उसको रियलाइज होगा हमने जो मेकअप दिया था वो क्राइलॉन दिया था उसने। उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन, आपका मॉडल वर्क हर तरह से रेडी होना चाहिए। सिंपल लुक की हेयर स्टाइल भी करोगे ना तो रेडी रखो, एडवांस वेरिएशन भी आपके हाथ में रेडी रखो दिखाने के लिए, फिर क्लाइंट की चॉइस है। सी, ये मैंने कितना फास्ट हो रहा है, ये मैंने स्टाइलिस्ट का मशीन यूज कर ली। फास्ट में वही बोलने वाली थी कि उसे फास्ट हो रहा है, क्योंकि सेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और रफ टेक्सचर ये जल्दी से क्रिएट कर रहा है। मुझे इतना प्रेशर जितना मैं आइकॉनिक भी दे रही थी उतना मैं दे भी नहीं रहा, तो मैं देखना चाहती थी नोटिस करते हो या नहीं करते हो, मैंने मशीनरी चेंज की करके। सी, एक दो में ही वो रफ टेक्सचर दे देता है, और गैपिंग देखो कितना फास्ट हो, और ये हैंडलिंग भी स्मूथ अच्छा है, हीट नहीं लगती बिकॉज़ यहाँ पे उसने वो पकड़ने के लिए वो दिया भी है। हाँ, सबसे अच्छा ये रफ ज्यादा करके दे रहा है। क्या मेरे पास वो टाइटेनियम वाली है मैम छोटी, वो तो और टाइम लगाती है। नहीं, ये वाली है जो आप अभी कर रहे हैं, ये भी टाइम लगाती है, क्योंकि सेक्शन बहुत ही एकदम गैपिंग कम कम करके करें। और आपने नोटिस किया मैंने क्रिम्पिंग किया और पूरा मशीन नहीं खोल दिया, सिर्फ मैं प्रेस किया हल्का सा खोल के नीचे, नहीं तो कोई लोग कह रहे थे दबाया फिर पूरा खोल के नीचे, पूरा बीच में, हाँ बीच में गैप आता है, वो नहीं करना है। सी, एक्सप्लेनेशन में कभी कभी कोई कोई चीज रह जाती है, पर आप नोटिस करो कैसे ओपन कर रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, कितना प्रेशर किस मशीनरी पे गया। सी, इनकम है ना, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। अभी इस बालों में मैं कर्ल्स भी कर लूंगी ना नीचे से, तो नीचे वाले वाले बाल कैसे भी हो ऊपर की फिनिशिंग आ जाएगी। और दूसरा, आप बोलते हो ना बर्न पे मैं वेरिएशन के लिए टाइम नहीं है, नीचे के बालों को आपको बर्न के लिए करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पफ के बाल है बचे हुए बाल आपके बर्न के वेरिएशन के लिए काम आ जाते हैं। हो गया आपका प्रॉब्लम, सर काम कब नहीं आते, जब ऐसे कटिंग वाले बाल आते, लेयर कट वाले बाल तब काम नहीं आते, क्योंकि देखो लेयर कट बाल टुकड़े हो जाते हैं, टूटे टूटे बाल आते हैं, तब ये बाल आपके वेरिएशन के ऊपर काम नहीं आता, तभी हमें कंपलसरी बर्न सेक्शन में से ही सेक्शन निकालना पड़ता है, या फिर सप्लीमेंट यूज करो। इसी इधर के बाल देखो बन रही है अभी, सेम इसको भी एक मशीन पर आइकॉन। मैं आपको पिछले 5-6 साल से फॉलो करती हूं, जब आप घर से स्टार्ट किए थे। हाँ, तभी लॉकडाउन मेरा पहले से था, बट लॉकडाउन में फिर किसको आइडिया नहीं कब जाएगा, सब तो बोल रहे थे 10 साल 5 साल कब जाएगा, कुछ आइडिया नहीं, तो फिर मतलब बंद देखते हैं। घर से चलता है, घर से स्टार्ट किया था तब से मैं आपको फॉलो करती हूं, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले, बट वो इतना दूर से आने की हिम्मत नहीं होती थी, बट अभी से खाना से यहाँ पे आगे का सेक्शन आप
फ्रेंड्स आए होंगे ना बहुत ज्यादा नहीं जी जी ये आप बोलने वाली थी गोलबंदर से आना सब बदला तो बहुत इसीलिए गोलबंदर से आना बट जो आपको एक्सपीरियंस ऑफलाइन में मिलेगा ना वो ऑनलाइन में आज तक किसी को नहीं मिला। सिखाया अच्छा है, जो आपको सिखाया मैंने उनको भी वही सिखाया है। फर्क क्या होता है पता है? सीखने के बाद जो ऑनलाइन प्रैक्टिस कोई नहीं करता है क्योंकि क्लास इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चार साल से आपको क्योंकि अभी देखने में 2 घंटा गया फिर लोग चाय पानी और टाइम पास में चले जाते हैं, घर के काम में लग जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती। मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास भी की है। मैंने भी की है वही बोल रहे ना नहीं मैंने देखा आप डेडिकेशन नहीं देते हो, आप दोगे ना तो सीख सकते हो बट डेडिकेशन कब आएगा? आप जब मैंने सिखाया आज के आज आप मैं यहाँ पे आपको पकड़ के प्रैक्टिस कराने ही वाली तो आज का आज आपका सब चेक मतलब जो पार्ट में आपको गलती हो रही थी आज के आज क्लियर हो गया। ऑनलाइन में 10 दिन के बाद आप सोचोगे मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगी, फर्स्ट डे आपने प्रिंटिंग में क्या बोला था वो सोचने में आप गिवअप कर दो ना। तो ये होता है अगर आप आज के आज ऑनलाइन स्टूडेंट भी आज के आज आप प्रैक्टिस करोगे ना कहीं पे अटकोगे तो कल आप मुझे पूछ सकते हो कि ये मेरा नहीं बना तो रीजन क्या है, तो ये रीजन का आंसर मैं दे सकती हूँ। अब 10 दिन के बाद सपोज 1 महीने के बाद किसी ने मुझे हेयर स्टाइल भेजी कैसी बनी है मैं क्या आंसर दू? नहीं बनी है तो क्या रीजन से नहीं बनी है मुझे नहीं पता, फिनिशिंग नहीं आई है और मेहनत करो मैं ये बता सकती हूँ बट आपने कहा मिस्टेक की वो मैं कैसे बताऊँ? आज की प्रैक्टिस अगर आप आज करते हो और मुझे फोटो भेजोगे तो मैं बोलूंगी प्रिपरेशन नहीं हुई और प्रिपरेशन में मेहनत करो, ये मेरा आज के दिन का आपका होमवर्क पता है कि आपने ये गलती यहाँ पे की बट एट दी एंड 10 दिन के बाद मैंने इतने वेरिएशन के बाद आप कुछ भेजोगे तो मैं नहीं बता सकती कि आपने क्या गड़बड़ की है। ठीक है तो ऐसे मत सोचना कि ऑनलाइन सीखना भी गलत है। ऑनलाइन में आपको क्या समझ में आता है कि जो सिखाने वाला बंदा है वो कितना डेडिकेशन से आपको ऑनलाइन में सिखा रहा है और कितना डेडिकेशन से आपको ऑफलाइन में प्रैक्टिस कर रहा है। कई बार क्या होता है लोग बोलते हैं ये सिखाएंगे ये सिखाएंगे और क्लास में कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन में ही नहीं होता है जितना चाहिए होता है नॉलेज, हर एक डीप नॉलेज वो नहीं देते। तो ऑफलाइन में ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पे 2-2 लाख रुपया देके आए, 10 दिन का 2 लाख देके आए और उनको पर्फ तक नहीं आता तो आपने क्या सीखा आपने? या तो एक्सपीरियंस लो ऑनलाइन में कैसा सामने वाला सिखा रहा है, ऑब्वियसली अगर उसका ऑफलाइन रहेगा तो वो ऑफलाइन का स्टूडेंट प्रैक्टिस भी डालेगा पकड़ना धीरे धीरे। हो गया दोनों साइड का सेक्शन, वॉल्यूम भी देखा आपने अच्छा खासा एक वॉल्यूम भी मिल गया है, रफ टेक्सचर भी क्रिएट हो गया है एंड फ्रंट हम फ्रंट साइड से करेंगे ऐसे। क्रिम्पिंग में कभी भी थिक सेक्शन लोगे तो क्या होगा ऊपर की क्रिम्पिंग नीचे होगी बीच के बाद आपके एज इट इज रह जाएंगे तो थिक सेक्शन नहीं लेना है, थिन पतला सेक्शन में ही आपको काम करना है। इसमें भी आपको फर्स्ट प्रेस और आगे का सिर्फ फ्रंट करेंगे ना सर, प्रिपरेशन तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको, सिर्फ फ्रंट और पफ का 1-2 लाइन ले लो बट फिनिशिंग आएगी तो आपका काम अच्छा दिख के आएगा जो आपका नेचुरल हेयर पे इतना दिख के नहीं आता उठ के नहीं आते बाल। प्रोटेक्शन स्प्रे ब्लो ड्राई से पहले लगाना है या क्रिपिंग
प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन स्प्रे पहले, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे आप यूज करते हो तो पहले। कब ड्राई शैम्पू माउथ यूज करना है? ऑयली हेयर टेक्सचर है तो पहले आप ऑयल निकालने के लिए ड्राई शैम्पू यूज करो। बाद में आपका क्रिम्पिंग स्टार्ट करो। हीट प्रोटेक्शन को पूछना था वो यही करने से पहले वो लगाना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है बट मॉडल लोग भी कभी कभी यूज करते हैं कि बार बार अगर उनका कर्ल्स हो रहा है तो वहां भी ज्यादा हीट लगती है, बाकी क्रिम्पिंग और आइलिंग में इतनी हीट नहीं लगती। कर्ल्स में क्या आप लोग स्टे करते हैं ना कर्ल्स मशीन पे, कंटिन्यू हीट देते हैं उस पर, तो आपको लगाना है तो लगा सकते हो। भी रफ या जिनके हेयर फॉल वाले बाल है, बोल रही है कि मेरा हेयर फॉल है, उन पे आप करो। हीट प्रोटेक्शन स्प्रे ऑसिस का आता है, ऑसिस का डन। एक सिंपल सा पर्ल पिनिंग वगैरह दिखा देती हूँ, दिखाओ या कल कंटिन्यू करूँ? दिखा दूँ क्या वेरिएशन एक या कल से ही कंटिन्यू करेंगे वेरिएशन? किस से आपके ऊपर, कल से ही करते हैं। आज आप लोग फ्लो ड्राई का कर लो प्रैक्टिस, क्रिम्पिंग प्रैक्टिस, आइलिंग भी। आइलिंग भी सेम ऊपर लेके फिर नीचे, पहले पकड़ना है आइलिंग मशीन का भी सेम फंडा। आइलिंग हेयर सेक्शन लिया, आइलिंग ऐसे ऊपर घुमाओ, फिर उसको आप नीचे ऐसे ऐसे करो। दिखाओ कि एक बार आइलिंग करके देखना है, आता है आइलिंग करने को प्रॉपर? चलो यहाँ पे ही एक दो क्विक वेरिएशन ब्राइडल के लिए सीखेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। मजा आया? बहुत अच्छा है, यानी कि लगता है कि हम अपने। मैम बिजनेस ग्रो कैसे करें बताओ। ये तो मैंने छोटा सा बता दिया आपको कैसे ग्रो करें, बाकी आपके टैलेंट के ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो उसके ऊपर। सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो कल मिलते हैं 2 बजे वापस से विद वेरिएशन, कल से हम पूरा स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, शेयर करना है।